पुलिस ने मारा बहुत ज़्यादा, ऊपर पैर कर दिए, बीच में डंडा दे के ऊपर, बीच में पवन का डंडा लेकर नीचे को सिर कर दिया ऊपर पैर, पवन में धड़ाधड़ मार गए। मेरे को पता है मैंने कैसे रात दिन काटे, उल्टा लटका दिया फिर मुर्गे की तरह बांध गए, मारे गए भाई। हमारी बात मान ले, तेरे सरकारी वकील करवा देंगे, तेरे छुटा देंगे, थोड़े दिन का वो है तो छुट जाएगा। धड़ाधड़ पूरा दिन होगा मारते मारते, मेरी हालत ऐसी और लगी बेहोशी की थी। हमारे बाबूजी छोड़ दे मेरे को, बाबूजी छोड़ना ऐसे भी कहते रहे भी मार मार, मैं कहते रहे तूने ऐसा करा ऐसा करा, पर नौकर दिन मैं उनके पीछे हाँ बोले गया, जैसे भी कहते गए, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे तो यकीन शुरू से ही नहीं है कि मेरा पति ऐसा कर देगा, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं प्रद्युमन की उम्र के, एक 9 साल का, एक 7 साल का ही। मेरे तो जब ये गले बात नहीं उतरी थी कि मेरा पति ऐसा कर देगा। सबसे पहले प्रद्युमन के माता पिता का धन्यवाद करती हूँ कि भाई उन्होंने इतना CBI की जाँच मांगी। हम तो शुरू से ही यही कह रहे कि सही जाँच होनी चाहिए। बहुत कठिन से गुजरी है ज़िंदगी तो 2 महीना, 2 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, 4 बहन है, कमाने वाला एक यही गांव बस्ती ने, आड़ पड़ोस के ने गांव पूरा साथ दिया है। जिस घर में एक कमाने वाला होता है वही जेल में चला जाए तो आप खुद समझ सकते हैं घर में क्या कहर बीता होगा उस टाइम पे। ये सब गाँव वालों ने मदद किया, किसी ने पैसे भी दिए, किसी ने आटा नाच दाना ऐसा भी हुआ इसके साथ, तभी इनका घर चल पाया बड़ी मुश्किल से। और अभी आगे भी परेशानी रहेगी इनके साथ, क्योंकि अभी तो ये काम करने की हालत में नहीं है, उठ भी नहीं पा रहा है ये, गांव वाले ही मदद करेंगे अभी इसकी। पर कमाता ही कितना है जी ये, जो 8-10 हज़ार रुपये कमाता होगा ये, उस वो भी बंद हो गए आने तो घर में, तो घर चलेगा कहाँ से जी। इसकी उम्र हमारे गाँव में 42-43 साल उम्र होगी, इसने हमारे गाँव में आज तक चीटी नहीं मारी, ये आदमी कैसे मारते, ये तो मिली भगत ही पुलिस की, स्कूल की क्या बीमारी ही क्या नहीं, ये तो जो CBI जांच कर रही है वो जांच करके निकालेगी, जैसे ये निर्दोष कर दियो है ये दोषी बना रखो हो, ऐसे CBI इंक्वायरी करेगी हम कौन कौन आदमी हैं।